स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बने, SCCL का जो एग्ज़ाम होने वाली थी माइनिंग से आधार की, उसका सिलेबस आ गया है, जिसको PDF में सिलेबस चाहे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराओ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट ना लेके, तो मेरे को कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं देखूंगा कितने लोग इंटरेस्टेड है, उसके हिसाब से मैं सारे वीडियो बनाऊंगा, है ना। और चैनल में जो होंगे नए वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो जब मैं डालूंगा लगातार डालता जाऊंगा, वो लगातार डालूंगा। और इस मैंने देखा सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है, सारे के सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए सिलेबस की ओर नज़र रखते हैं। तो आप लोगों का सिलेबस इस प्रकार है, SCCL का टोटल जो है 100 अंक का रहेगा, उसमें से आपको जो टाइम देगी 2 घंटे की यानी 120 मिनट, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट अच्छा टाइमिंग है, हो जाना चाहिए टाइम से, ठीक है। और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन जो 80 नंबर आपका जो रहेगा आपके सब्जेक्ट से रहेगा, माइनिंग के सब्जेक्ट से, और 20 नंबर जो रहेगा ना, आप देख पा रहे होंगे ये सब लाइन बाय लाइन, वो 80 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन ए से 80 और सेक्शन बी से आपका रहेगा जनरल नॉलेज CIL के बारे में, SCCL के बारे में, स्टेट्स में कौन कौन सा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, है ना, काफ़ी इजी होने वाला है। 20 नंबर का भी रहेगा तो CIL के बारे में आप पढ़ लेना है, और जनरल अवेयरनेस इसका तो कोई माँ बाप नहीं है, ये कहीं से भी पूछ सकता है। तो 20 नंबर का ही है ये जो एक्स्ट्रा है, हमें लगता है इसमें से आपका नहीं तो 10 तो जरूर ले आइएगा, उसमें 80 और इसमें 10 अगर ले आते तो काफ़ी हो जाएगा आपका। तो सिलेबस एक बार एक करके हम लोग जान लेते हैं कि सिलेबस है क्या। तो पहला है डिफिनेशन, ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, अगर अपने से भी करना चाहते हैं और मैं भी तो बताऊंगा ही, तो दोनों को मिला के आप करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं उसके लिए कि आप कहाँ से करेंगे। तो पहला जो डिफिनेशन जो है ना, वो आपको CMR का बुक में मिल जाएगा, डिफिनेशन दिया हुआ सभी चीज़ का, वही डिफिनेशन है। डिफिनेशन से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कमैन, यानी वर्कमैन इंस्पेक्टर का ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपिटेड पर्सन सक्षम व्यक्ति का, एंड ऑफिशियल में सारे लोग आ जाते हैं, सर्वेयर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह वगैरह सारे कुछ ऑफिशियल में आ जाते हैं। इसको हिंदी में लिख दिया गया, उसी इंग्लिश को कामगार सक्षम व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शॉर्ट फायरर सरदार एंड ओवरमैन, ठीक है, ऑफिशियल के अंदर में ही हमारा सरदार ओवरमैन है, वहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, एक शॉर्ट फायरर को कर लेना अलग से, ठीक है, सेकेंड वाला हो गया। थर्ड क्या, बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू वेरियस माइंड प्लान्स, इसमें बोला कि बेसिक नॉलेज चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, आखिर सर्विस प्लान में हम लोग क्या क्या रखते हैं, क्यों बनाते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान, इस तरह के कुछ क्वेश्चन है इसमें, है ना, उसको भी मैं कंसिडर करवा दूँगा। यानी तीसरा नंबर भी इजी है, प्रोविजंस ऑफ वाइंडिंग इन शाफ्ट, यानी वाइंडिंग शाफ्ट चलाने के क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है, क्या क्या प्रोविजन करते हैं, कब कब टेस्ट करते हैं, कितने समय में हम लोग वायर को चेंज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, वही सब है शाफ्ट के लिए। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ हॉलेज एंड हॉलेज रोडवे, तो हॉलेज और हॉलेज रोडवे के लिए क्या क्या हम लोग सेटअप करते हैं, क्या क्या सावधानियां लेते हैं, कितने दिनों में हम लोग उसको चेक करेंगे यानी इंस्पेक्शन करेंगे, वही सब है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोविजंस ऑफ कन्वेयर बेल्ट एंड बेल्ट रोडवे, यहाँ भी सेम ही है, कन्वेयर बेल्ट एंड बेल्ट रोडवे, यानी कन्वेयर बेल्ट जहाँ पर बैठा हुआ अगर वहाँ से हम लोग जाना आना करते हैं तो उस रोड का प्रोविजंस क्या होगा। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ ट्रेवलिंग रोडवे, ट्रेवलिंग रोडवे जहाँ से हम लोग माइंस के अंदर जाते हैं, जनरल व्यक्ति जा सकता है, ऑफिशियल तो जाते हैं ट्रेवलिंग में भी और आपका हॉलेज में भी,
लेकिन ट्रेवलिंग में सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन जा सकते हैं, एक नॉर्मल पर्सन उसे के लिए ट्रेवलिंग रोडवे, तो उसके बारे में भी प्रोविजंस क्या क्या है, क्या क्या सेफ्टी है, कैसे हम लोग कितना हाइट होना चाहिए वगैरह वगैरह सारे कुछ है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट वर्क एंड डिफ्लरिंग ऑपरेशन, तो ये आपका सीधे बोर्ड एंड फिलर जान लीजिए। डेवलपमेंट कहाँ होता है, बोर्ड एंड फिलर में, तो डेवलपमेंट पढ़ेंगे, डिफ्लरिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे, डिफ्लरिंग में क्या 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 मेथड अप्लाई किया जाता है। चलिए एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल अदर देन बोर्ड एंड फिलर मेथड, ये तो पूरा का पूरा बोर्ड एंड फिलर ही था, अब ये बोल रहा उसके अलावा भी जो है क्या क्या होते हैं, लॉन्ग वाल होते हैं, रूम एंड फिलर होता है, तो वो सबको भी देख लेना है। सेटिंग एंड विदड्रोवल ऑफ सपोर्ट, वे विदड्रोवल ऑफ सपोर्ट है MCL के में जो पढ़ाया था उससे आप देखिएगा तो काम हो जाएगा। मैं फिर से एक अलग से बनाऊंगा, इसमें कुछ अलग वो सब डालूंगा ही, अलग से भी डाल दूंगा। तो सपोर्ट तक हो गया है, आगे समझते हैं क्या है सिलेबस। ओपन कास्ट वर्किंग एंड मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, तो इसमें सीधा टर्मोलॉजी पढ़ना है, पूरा का पूरा टर्मोलॉजी आप पढ़ लीजिएगा तो आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा, ठीक ना। ओपन कास्ट में ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए रहता नहीं, इसमें मशीनरी को इंक्लूड नहीं किया है, मशीनरी नीचे है। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजर ऑफ फायर गैस डस्ट एंड वाटर, यानी प्रिकॉशन क्या लेते हैं हम लोग फायर में, गैस में, डस्ट एंड वाटर के लिए, वो सब जानना है। नेक्स्ट वेंटिलेशन लाइटिंग एंड फ्लेम सेफ्टी लैम्प, वेंटिलेशन का पूरा जानना है। MCL का जो वीडियो बनाया था उसमें आप देखिए पूरा पूरा वेंटिलेशन कंसीडर कर दिया गया है। लाइटिंग आपका हो गया अंडरग्राउंड में लाइट कितना वोल्टेज सप्लाई होता है, कितने कितने दूरी में चाहिए, फ्लेम सेफ्टी लैम्प का क्या काम है, उसका बनावट क्या है, कुछ थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना है। प्रिकॉशन रिलेटेड टू एक्सप्लोसिव्स एंड शॉर्ट फायरिंग, तो एक्सप्लोसिव जब हम लोग कैरी करते उस समय क्या प्रिकॉशन लेते हैं, जब हम लोग ब्लास्टिंग करते उस समय क्या प्रिकॉशन लेते हैं, वो सब जानना है। उसका भी वीडियो MCL वाला में डाला हुआ है, बहुत इजी हो जाएगा आपका और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, पहले से बहुत सारा टॉपिक डाला हुआ है। प्रिकॉशन हो गया। फेंसिंग एंड गेट्स, फेंसिंग के बारे में जाना, कौन कौन से फेंसिंग्स होते हैं, कौन कौन से गेट होते हैं। नेक्स्ट है जनरल सेफ्टी टू इंश्योर्ड बाय द पर्सन एम्प्लॉय, तो जनरल सेफ्टी पर्सन अपने आप में क्या लेता है, गम बूट पहनता है या कोई शू, माइनिंग शू पहनना, हेलमेट, वो सब अपने से एक जनरल सेफ्टी है, तो जनरल सेफ्टी में वही सब है। नेक्स्ट है यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अब PPE का जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में जानना है। नेक्स्ट है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ये भी मैं पढ़ा दिया हूँ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, आप वीडियो देख लीजिएगा, बाकी मैं धीरे धीरे इसको क्लियर करते जाऊँगा। लेकिन जो ये वीडियो देख रहे हैं उसको अगर चाहिए कि सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाए वो भी फ्री, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा इसको, तब मैं समझ पाऊँगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। फर्स्ट एड, जितने जल्दी आप लोग कमेंट और लाइक कीजिएगा उतना जल्दी वीडियो बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आप लोग पर निर्भर है, चाहते हैं कि नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो रहते हैं, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, देखता हूँ काफ़ी कम व्यू जा रहा है, इतने सब्सक्राइबर है फिर भी व्यू कम जा रहे हैं। फर्स्ट एड में क्या रहेगा, हमारे फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है, क्या होने पर क्या किया जाता है और किसके किसके पास फर्स्ट एड किट रहेगा, वो सब पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव एंड इट्स ट्रांसपोर्ट एंड यूज इन माइंस, कितने टाइप के एक्सप्लोसिव होते हैं, लो और हाई, यही सब पढ़ना है। इसके ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यूज कैसे करते हैं, SOP के बारे में जानना है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, कितने नंबर रेगुलेशन में है, वो सारे कुछ बता दूंगा, इम्पोर्टेंट होंगे वो। पीट सेफ्टी कमेटी, एक सेफ्टी कमेटी होता है जो हर महीने होता है माइंस में। वर्कमैन इंस्पेक्टर, उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। ये सब जो आपका जो आ रहा है पीट कैप्टी समिट वर्कमैन, ये सब एक्ट रूल से आने लगा, यहाँ से एक्ट रूल शुरू हो गया है ना, रेस्क्यू रूल दे दिया गया। ड्रिंकिंग वाटर, पीने पानी का प्रावधान क्या है, कितना पानी चाहिए, कैसा चाहिए, वो सब सारे इसमें जानकारी है। ये काफ़ी छोटा वीडियो बनेगा, इसमें किसी बड़े वीडियो में डालूंगा इसको। माय रेस्क्यू रूल एक छोटा सा बुक है, अगर चाहेंगे तो वो बुक को भी पूरा किया जाएगा। प्रोविजन्स रिलेटेड टू अचीवमेंट,
यूज इन ओपन कास्ट माइन यानी खुली खदान में एचईएमएम जो यूज कर रहे हैं उसके लिए क्या प्रावधान हम लोग करके रखे हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके बारे में। चलिए ये हमारा माइनिंग का सिलेबस ख़त्म होता है, बाकी ये सब आपका जनरल नॉलेज आप सीआईएल और एससीसीएल स्टेट्स छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश इसके बारे में आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये अनगिनत है। कितना मैं बताऊंगा कम पड़ेगा, ये सब जो मैं बताऊंगा इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो मेरा देखेंगे तो हमको लगता है 80 में से आपका 75 प्लस जरूर जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लो, और जो नए चैनल में आ रहे होंगे वो सब्सक्राइब कर लें, आपको सारे टॉपिक में वीडियो मिल जाएगा। जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए, जितना जल्दी कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी मैं वीडियो डालना शुरू करूँगा।